सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज। खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण, क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। जंग आवाज समाचार पत्र की तरफ से आयोजित एक शाम गरीबों के नाम व सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कानपुर नगर में जंग आवाज समाचार पत्र की नई पहल की तरफ से एक शाम गरीबों के नाम व सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कानपुर के गुजैनी स्थित सुदामा गेस्ट हाउस में सफलतापूर्वक कराया गया, जिसकी शुरुआत विशिष्ट अतिथि कानपुर प्रेस क्लब संरक्षक सरस वाजपेयी जी द्वारा भगवान श्री गणेश व सरस्वती माता की पूजा अर्चना करके की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजना कुमारी कवित्री जी ने एक शाम गरीबों के नाम कार्यक्रम में उन गरीब बच्चों को पेन पेंसिल किताबें कॉपी थर्मस आदि बांट कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद नेशनल सेलिब्रिटी सेफ कविता सिंह जी ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी सम्मानित व्यक्तियों और पत्रकार भाइयों को सम्मानित पत्र देकर उनका सम्मान किया। वहीं इस कार्यक्रम में उनका पूर्ण रूप से योगदान हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कानपुर ब्यूरो शुभम कपूर ने बताया कि हमारा समाचार पत्र लखनऊ से प्रकाशित होता है, जिसकी एक नई पहल चली है, जिसके माध्यम से हम कई लोगों के सहयोग से व हमारे पेपर के कुछ हिस्से से उन गरीब बच्चों को भला करना चाहते हैं जिनके पास समाज में रहने व खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि हर महीने हम और टीम के साथ छोटे छोटे कार्यक्रम कच्ची बस्ती में जाकर करते रहते हैं। इसका एक साल पूरा होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नाम एक शाम गरीबों के नाम व सम्मान समारोह के रूप में रखा गया, जिसको आज गुजैनी स्थित सुदामा गेस्ट हाउस में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 150 बच्चों को पेंसिल बॉक्स किताबें आदि थर्मस जैकेट इत्यादि चीजें भेंट की गई। सभी सम्मानित पत्रकार भाई समाज के प्रति पूर्ण रूप से योगदान देने वालों को भी सम्मानित किया गया। इस मुख्य कार्यक्रम में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सरस वाजपेयी कानपुर प्रेस क्लब संरक्षक, मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजना कुमारी कवित्री, कार्यक्रम संयोजक शुभम कपूर, सीमा शुक्ला, अनिता श्रीवास्तव, ज्योति निगम, ऋचा कुशवाहा, मोनिका पाठक, पूर्वी दीक्षित, आरती गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। लेटेस्ट जानकारी के लिए अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए अखंड हिंदी न्यूज 24 में।